सॉल्व किया है? सर ट्राई कर किया था लेकिन थोड़ा सा अटक गया था बीच में। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ट्राई सॉल्व किया है? चलो आयुष, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। सर अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक मिनट रुक गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1.34। यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम CO2, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट SGP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेयर 11.6 ग्राम। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ गैस एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। सर क्या क्या निकालना है इसमें? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ गैस एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकालना है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दिया है। बोल रहे हैं कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उस वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो 3.38 ग्राम CO2 और 0.69 ग्राम H2O का फॉर्मेशन होता है। 3.36 ग्राम CO2 एंड 0.69 ग्राम H2O। ठीक है, आगे बता रहा है कि अगर हम इस वेल्डिंग फ्यूल गैस का 10 लीटर को STP पे कंसिडर करें, 10 लीटर गैस को STP पे कंसिडर करें, तो उसका मास है 11.6 ग्राम। तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो अब देखो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई जितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है, इस CO2 का सारा कार्बन उस फ्यूल गैस से आया है, वेल्डिंग फ्यूल गैस से मिला है। और इस H2O का जितना भी हाइड्रोजन है, ये सारा हाइड्रोजन भी फ्यूल गैस से आया है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखोगे ड्यूरिंग कंबस्शन, ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ फ्यूएल गैस ऑल कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू गेट्स कन्वर्टेड इंटू CO2 एंड हाइड्रोजन कन्वर्टेड इंटू H2। H2O। ठीक है, तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर।
44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन. तो सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन, देयरफॉर 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन. ये क्लियर है सबको? यस सर. तो अब ये सॉल्व करके देख लो कि ये कितना आता है. ठीक है, या आप इसको छोड़ो, इसको आप यही रहने दो. 1.11 आ रहा सर, जरूरत नहीं है. ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये तो आ गया कार्बन का अमाउंट. ऑब्वियसली ये सारा कार्बन जो है उसी फ्यूल गैस से मिला है. इसी तरीके से ये नोट कर लिया सबने? यस सर. यस नो सर. आगे बढ़े. यस सर. देखो, हम ये बोल सकते हैं सिंस 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर 0.69 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2/18 मल्टीप्लाइड बाय 0.69 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन का मास जो फ्यूल गैस के अंदर है वो मिल गया, कार्बन का मास जो फ्यूल गैस के अंदर है वो मिल गया. ठीक है, तो अब हम, हाँ बोलो, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे सर इनकी. हाँ, तो परसेंटेज परसेंटेज बाय मास of कार्बन, तो वो कितना हो जाएगा 12/44 into 3.38 divided by 12/44 into 3.38, ये कार्बन का मास हो गया, प्लस 2/18 into 0.69 ये हाइड्रोजन का मास हो गया इनटू 100. ये परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन यहां से आ जाएगा. तो ये कैलकुलेट करके कितना आया बताओ?
92.3%. तो परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन 100 माइनस 92.3, क्योंकि दो ही एलिमेंट है वहां पे और टोटल परसेंट 100 होना चाहिए, तो 7.7% आ गया. तो कार्बन का परसेंटेज बाय मास 92.3 और हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय मास 7.7. अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, यहां से इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन किया जा सकता है. तो देखो, एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंटेज बाय मास 92.3 एंड 7.7. तो यहां पे एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे. एटॉमिक रेशियो, अब एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 92.3 को कार्बन के एटॉमिक मास से और 7.7 को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आप अगर देखो तो ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 7.7 आ रही है और ये तो 7.7 है ही. अब इसके बाद सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालेंगे. सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, अगर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आप देखो तो ये 1 एंड 1, तो देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला इज CH. इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH. ये क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर. अब जरा देखो, प्रॉब्लम में बोला गया है कि 10 लीटर गैस एट एसटीपी का मास गिवन है. कितना गिवन है मास? 11.6 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 22.4. ठीक है बेटा? यस सर. एंड दिस इज इक्वल टू 11.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. लिख सकते हैं? यस सर. भाई ये भी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. और आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को ये भी लिख सकते हो, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. ये दोनों वैल्यूज बराबर है. तो यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 10. कितना आ गया ये सर? मेरा अप्रोक्स 26.04 आ रहा है. 26.04 आ रहा है ना, 26 ले लो. ठीक है? यस सर. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 26 आ गया. इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ गैस कितना होगा? ये है इंपीरिकल फॉर्मूला ना. तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 13. यस सर. तो n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 26 बाय 13. मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास 2 आ गया. ठीक है? यस सर. तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस इज C2H2. ठीक है, तो वेल्डिंग फ्यूल गैस है एसिटिलीन या इथाइन.
सारा मेथड क्लियर हुआ सर? नेम रिपीट करना एक बार उसका। एसिटिलीन और इथाइन। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, हमने देखो ये है इंपीरिकल फॉर्मूला, तो इस इंपीरिकल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 13 आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हमें 26 पता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला होता है और एन जो है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास होता है। तो यहां से n वैल्यू आ गई 2 और n अगर 2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH ट्वाइस यानी कि C2H2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस इज C2H2। क्लियर हुआ? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। ब्यूटायरिक एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। आगे लिखो 4.24 मिलीग्राम सैंपल। 4.24 मिलीग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। 4.24 मिलीग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड कंटेन्स 4.24 मिलीग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड अंडरगो कंप्लीट कंबस्टन। 4.24 मिलीग्राम ऑफ ब्यूटायरिक एसिड सैंपल अंडरगो कंप्लीट कंबस्टन। फ्रॉम वेयर 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 एंड 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O आर ऑप्टेन्ड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटायरिक एसिड इज इक्वल टू 88। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटायरिक एसिड इज इक्वल टू 88। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। आपको ब्यूटायरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। उनकी फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो।
आवाज क्लियर नहीं है बेटा, फिर से रिपीट करो सर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो। ब्यूटायरिक एसिड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। फिर आगे बोला गया 4.24 मिलीग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड अंडर टू कंप्लीट कंबस्शन फ्रॉम वेयर 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 एंड 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2 आर ऑब्टेन्ड। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटायरिक एसिड इज 88। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सर, बस कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। मेथड क्लियर है? यस सर। यस सर, पिछली प्रॉब्लम जैसा ही है? यस सर, सेम ही है। पिछली वाली प्रॉब्लम में जो आपने परसेंटेज बाय मास निकाला ना, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसको निकाले बिना भी निकाल वो आंसर जो है आ सकता है। यस सर, मिल गया हूँ। आ गया जो आपने हिंट दिया सर, वो अब समझ आया। आया समझ में? बेसिकली उसमें क्या है, कार्बन का मास मिल गया, हाइड्रोजन का मास मिल गया आपको, तो कार्बन के मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो उसका एक तरीके से मोल आ गया, और उसी तरीके से हाइड्रोजन के मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो उसका मोल मिल गया। अब ये जो मोल ऑफ, एक तरीके से ये मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन और मोल ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन आ गया, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो होगा ना, वही उनके एटम का रेशियो होगा। वहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो होगा, वही उनके एटम का भी रेशियो होगा। आप सीधे निकाल सकते हो, परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि भाई 44 ग्राम CO2 में अगर 12 ग्राम कार्बन का है
तो 44 मिलीग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, ये लिख सकते हैं। Yes, अगर 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन का है तो 44 मिलीग्राम CO2 में 12 मिलीग्राम कार्बन का होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, मतलब जिनको प्रॉब्लम है वो चुप है, वो बोल नहीं रहे, क्यों भाई? नो सर, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। चलो ठीक है भाई, ये सही है। 44 मिलीग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, देयरफॉर 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 8.45 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, तो ये कितना आया? ये कितना आया बेटा? टू पॉइंट थ्री 045 आता है। अब देखो इसी तरीके से आप बोल सकते हो, ये 18 मिलीग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसी तरीके से देयरफॉर 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O कंटेन्स 2/18 मल्टीप्लाइड बाय 3.45 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना आया? जीरो पॉइंट थ्री एट 4 मिलीग्राम। अच्छा आप देखो, कार्बन का मास इतना हो गया, हाइड्रोजन का मास इतना हो गया, और टोटल मास ये गिवन है बेटा ब्यूटेरिक एसिड का, तो ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं। यस सर, यस सर। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4.24 माइनस 2.3045 माइनस 0.3844, ये कितना है? 1.56। अच्छा तो बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे तुम लोग, ये आना चाहिए 1.5511 है, 1.5511 या 1.5711 1.5511 या 1.5711 1.5711 आता है ये सॉल्व करके, ठीक है? अब देखो, अब हम यहां पे बोल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास
ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 2.3045 अपॉन 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया बेटा ये कैलकुलेटर यूज करो कोई बात नहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है सर 54.33 चलो 54% लिख लेता हूं 54.35 बता रहे चलो 54% ले लिया परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला था हाइड्रोजन का मास 0.3844 अपॉन 4.24 इंटू 100 तो ये कितना है बेटा 9.05% ले लिया ठीक है तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन तो 100 माइनस ये हो जाएगा 54 प्लस 9 63 तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 37% आ गया ठीक है तो इस तरीके से हमने तीनों का परसेंटेज निकाल लिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज बाय मास अब आगे का प्रोसीजर आपको पता ही है 54, 9 and 37 एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा 54/12 9/1 एंड 37/16 तो ये कितना आ गया भाई ये आ गया 4.5 और ये आ गया 9 और ये कितना आ गया 2.3 या 2.25 आप ले लो इसको ठीक है अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.25 ठीक है तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो तो 2.25 से सबको डिवाइड कर दोगे तो 2 आ गया और यहां पे 4 आ गया और यहां पे 1 आ गया तो देयरफॉर एम्पीरिकल फॉर्मूला इज क्या C2H4O एम्पीरिकल फॉर्मूला मास इज क्या हो गया 12 × 2 = 24, 24 + 4 = 28, 28 + 16 44 ठीक है 44 तो अब यहां से हम निकाल लेंगे n वैल्यू यहां से क्या निकाल लेंगे n वैल्यू तो n वैल्यू 2 आ जाएगी यस सर तो n इज इक्वल टू 88 मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पीरिकल फॉर्मूला मास तो ये 2 आ गया देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is C2H4O twice that is C4H8O2 C4H8O2 ये होता है सर ये वैसे आपने नॉमेनक्लेचर में लिखवाया था नॉमेनक्लेचर लिखवाया था लेकिन वो चीज आप यहां डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते आपको एकदम पूरा इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपको आंसर पता है तो सीधे लिख लो कई बार क्या होगा क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अवोगैड्रो नंबर तो अब पता चला कि आप अवोगैड्रो नंबर वैल्यू मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवेन है और आपसे बोल रहे हैं अवोगैड्रो नंबर वैल्यू डिटरमाइन करो
तब जो वैल्यू आपको याद है आपने वही लिख दिया, तो लड्डू मिलेगा बेटा, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एक एक चीज। तो ये क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम? यस सर। हमेशा जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हर एलिमेंट का आपको मास अलग अलग निकालना पड़ेगा, और फिर मास से उनका परसेंटेज बाय मास, फिर परसेंटेज बाय मास को यूज करते हुए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो वहां से एन वैल्यू निकालोगे, एन को यूज करते हो फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे। आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो हो सकता है कि आपको सीधे परसेंटेज बाय मास गिवन हो। अगर डायरेक्टली परसेंटेज बाय मास गिवन है इसका मतलब है कि आपका काम जो है वो हाफ हो गया, अदरवाइज आपको सारा परसेंटेज बाय मास पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आगे का कैलकुलेशन करना होगा। अब मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं जो इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट का कितना मास प्रोड्यूस होगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। हाँ बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अरे हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बात नहीं बनेगी बेटा, अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड मेथड को सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक मेथड को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसको कई बार POAC भी बोलते हैं, कि इतना बड़ा नेम कौन बोले, उसकी जगह पे लोग POAC ही लिखते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो आप नोट करो POAC है क्या, लिखो POAC के बारे में लिखो। दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ, दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो मेथड है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये मेथड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जनरलाइज करके हम इसको डिफाइन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इज मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used to perform, this method is used to perform, this method is used to perform gravimetric analysis, gravimetric spelling mein likh raha hu, this method is used to perform gravimetric analysis, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, GRAVIMETRIC, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक का मतलब हाँ बताता हूं, सब बताता हूं। तो
जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है पीओएसी, पीओएसी को हमेशा यूज किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम उस एनालिसिस को बोलते हैं जहां पे एक रिएक्शन कंपोनेंट के मास से दूसरे रिएक्शन कंपोनेंट का मास को निकालते हैं, या एक रिएक्शन कंपोनेंट के मास से दूसरे रिएक्शन कंपोनेंट का वॉल्यूम को निकालते हैं, या जहां पे एक रिएक्शन कंपोनेंट के वॉल्यूम से दूसरे रिएक्शन कंपोनेंट का वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वी कैन डिटरमाइन द फॉलोइंग। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वी कैन डिटरमाइन द फॉलोइंग। अब देखो क्या क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर वन, मास रिलेशनशिप। जैसे एक रिएक्टेंट का मास गिवन है और उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए दूसरे रिएक्टेंट का कितना मास यूज होगा, या एक रिएक्टेंट का मास गिवन है और उसके कंप्लीटली रिएक्ट करने पे किसी प्रोडक्ट का कितना मास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करना है, एक तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का पर्पज है। दूसरा पर्पज है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करने का, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का वॉल्यूम को डिटरमाइन करना, या रिएक्टेंट के मास से दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम को डिटरमाइन करना। नंबर थ्री, इसका उल्टा भी हो सकता है, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। रिएक्टेंट के वॉल्यूम से प्रोडक्ट का मास निकालना, यह भी हो सकता है इसका प्रपंच। और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को इनमें से किसी एक पर्पज को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। पीओएसी को किस लिए यूज किया जाता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? मास से मास को डिटरमाइन करते हैं, एक के मास से दूसरे का मास को डिटरमाइन करते हैं, एक के मास से दूसरे का वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, एक के वॉल्यूम से दूसरे का मास को डिटरमाइन करते हैं, या एक के वॉल्यूम से दूसरे का वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है? तो अगर आप देखो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, जैसे आप बोलते हो कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है? अगर कोई रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी हुई है, हाँ बताओ परसों, कैसे पता चलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेते हैं सर, दोनों साइड एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वेरी गुड। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये हमें ऐसे पता चलता है कि उस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्वड है उनका नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल, जितने एटम्स उस एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, और ये बात सारे एलिमेंट्स के लिए
होल्ड करनी चाहिए। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो आप नोट करो, लिखो इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, लिखो इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट। कंजर्व्ड मतलब कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट। आगे लिखो, इफ एटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड, इफ एटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड, इफ एटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड देन मास ऑफ एटम, if atoms remains conserved then mass of atom will also be conserved, if atoms remains conserved then mass of atom will also be conserved and therefore this is the special case, and therefore this is the special case of law of conservation of mass, and therefore this is the special case of law of conservation of mass, and therefore this is the special case of law of conservation of mass। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, वहां पे दोनों साइड में हर एलिमेंट के एटम्स बराबर होंगे, और अगर एटम्स दोनों साइड में बराबर है तो उन एटम्स का मास भी बराबर होगा, और एटम्स का मास अगर बराबर है तो मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इसीलिए बोलते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। अब बात आती है कि पीओएसी हमें क्या एडवांटेज देता है इन कंपेयर टू अदर मेथड्स जो हम पीओएसी की जगह पे यूज कर सकते हैं, उन मेथड्स के कंपेयर में अगर हम पीओएसी को यूज कर रहे हैं तो पीओएसी हमें क्या एडवांटेज देता है उन मेथड्स के ऊपर। तो आप नोट करो, हेडिंग नोट करो, एडवांटेज ऑफ पीओएसी ओवर अदर मेथड्स, एडवांटेज ऑफ पीओएसी ओवर अदर मेथड्स, एडवांटेज ऑफ पीओएसी ओवर अदर मेथड्स। तो अब आप यहां पे नोट करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, while solving the problem with POAC, balancing of chemical reaction balancing of chemical reaction is not required. Balancing of chemical reaction is not required because method of balancing
Because method of balancing of a chemical reaction, method of balancing of a chemical reaction is based upon POAC itself. POAC itself. Method of balancing of a chemical reaction is based upon POAC itself. तो अगर आप देखो तो ये POAC का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. बोला जा रहा है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को POAC के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, मतलब किसी इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम को POAC के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है, रिएक्शन की बैलेंसिंग खुद POAC पे बेस्ड है. तो जब आप POAC को अप्लाई करते हो तो एक रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, आपको उसको बैलेंस करना नहीं पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है रिएक्शन को बैलेंस करने में कंफर्टेबल नहीं होते. भाई सिंपल रिएक्शन है तो वो बैलेंस हो भी जाती है, लेकिन अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है. तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़े. तो एक रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड है, उस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए हम उस पे बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है उस इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है POAC का. ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. है ना ये बड़ा एडवांटेज? यस सर. यस सर. तो किसी भी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए हम उस पे बेस्ड कोई भी इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं POAC की हेल्प से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो एक बड़ा एडवांटेज है POAC. ये हमें एडवांटेज देता है. नंबर टू लिखो, सेकंड एडवांटेज लिखो, नंबर ऑफ रिएक्शन स्टेप्स एंड देयर सीक्वेंस. Number of reaction steps and their sequence. Number of reaction steps and their sequence are not required to be given while solving the problem with POAC. Number of reaction steps and their sequence are not required to be given while solving the problem with POAC. तो देखो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है POAC का. यहां पे ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट होती है. आपने ऐसे कोई रिएक्शन देखी है क्या जहां पे एक के बाद एक कई सारी रिएक्शन हो करके फाइनल प्रोडक्ट बनता हो? ऐसे रिएक्शन देखी है? Yes, sir. हाँ, तो अभी हम उसी तरीके की रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई एक रिएक्शन है जो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, तो अगर हम प्रॉब्लम उस पे बेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें वो तीनों स्टेप को अलग अलग जानने की जरूरत नहीं है, उनके सीक्वेंस को जानने की जरूरत नहीं है, उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. ये सब कुछ किए हुए भी हम प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं POAC की हेल्प से. तो ये भी तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा. यस सर. है कि नहीं? ठीक है, हमें रिएक्शन के स्टेप्स को जानने की जरूरत नहीं है, उनके सीक्वेंस को जानने की जरूरत नहीं है, उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. बिना ये सब कुछ किए हुए स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स के अमाउंट को फाइनल प्रोडक्ट के अमाउंट से रिलेट किया जा सकता है.
तो ये भी पीओएसी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं पीओएसी के, जो शायद ही कोई और मेथड आपको प्रोवाइड करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैजिकल मेथड है, मैजिकल प्रोसीजर है। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस मेथड का पता ही नहीं होता। अब देखो बात आती है कि अगर इस मेथड के ये एडवांटेजेस हैं तो इसकी लिमिटेशन भी है। तो पीओएसी की लिमिटेशन क्या है उसको भी नोट कर लो। लिमिटेशन ऑफ पीओएसी, नोट करो, लिखो पीओएसी इज अप्लाइड, पीओएसी इज अप्लाइड ओनली फॉर, पीओएसी इज अप्लाइड ओनली फॉर दैट एटम, पीओएसी इज अप्लाइड ओनली फॉर दैट एटम विच रिमेन्स कंजर्व्ड पीओएसी इज अप्लाइड ओनली फॉर दैट एटम which remains conserved throughout the reaction, which remains conserved throughout the reaction, ठीक है। तो बोल रहा है कि पीओएसी, ठीक है, पीओएसी को हम उसी एटम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एटम स्टार्ट से लेकर के एंड तक, रिएक्शन के स्टार्ट से लेकर के रिएक्शन के एंड तक कंजर्व रहता है। ये इंश्योर करके ही पीओएसी को अप्लाई करोगे। अब मैं यहां पे आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एटम के लिए हम पीओएसी को अप्लाई कर रहे हैं और तीन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कर रही है, रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, तो पता चला कि वो एलिमेंट पहले और दूसरे स्टेप में वो किसी गैसियस प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस, किसी गैसियस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहा हो, और वो गैसियस प्रोडक्ट जैसे ही फॉर्म हुआ वो वहां से स्केप आउट हो गया, ठीक है, और वही वही एटम जो है हमें रिएक्शन के एंड में फाइनल प्रोडक्ट में भी दिख रहा है। तो अगर हम वहां पे पीओएसी को अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें वो वाला अमाउंट अकाउंट नहीं हो पाएगा जो अमाउंट जो है गैसेस प्रोडक्ट के फॉर्म में बीच में ही रिमूव हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में पीओएसी के थ्रू जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पीओएसी को जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कौन सा एटम है जिसका अमाउंट रिएक्शन के स्टार्ट में जितना था रिएक्शन के एंड में भी उसका उतना ही अमाउंट हमें मिल रहा है। नॉर्मली इसके लिए प्रॉब्लम में ही कोई ना कोई हिंट होता है, आपको उस क्ल्यू को पकड़ना पड़ेगा कि वो कौन सा एटम है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक कंजर्व है। आप उसको अगर सही तरीके से आइडेंटिफाई करोगे तब अगर आप पीओएसी अप्लाई करोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर ये सिलेक्शन में आपने गड़बड़ की बेटा तो समझ लेना कि फिर ये मैजिकल मेथड जो है ना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि पीओएसी के जब दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं तो साथ में पीओएसी की ये एक बड़ी लिमिटेशन भी है कि पीओएसी सारे एटम्स के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है। पीओएसी सिर्फ उसी एटम के लिए अप्लाई हो सकता है जो रिएक्शन के स्टार्ट से लेकर के रिएक्शन के एंड तक कंजर्व रहे। तो लिमिटेशन समझ में आ गई बेटा पीओएसी की? यस सर। बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो सर, डेफिनेशन रिपीट कर दो। डेफिनेशन? यस सर। कौन सी डेफिनेशन सर? ये लिमिटेशन ऑफ पीओएसी की। लिमिटेशन ऑफ पीओएसी की डेफिनेशन होगी गधे। लिमिटेशन ऑफ पीओएसी में मैंने अभी आपको ये बताया कि पीओएसी इज अप्लाइड, आप नोट कर लो, पीओएसी इज अप्लाइड, पीओएसी
is applied only for that atom. POAC is applied only for that atom which remains conserved throughout the reaction. Which remains conserved throughout the reaction. यानी कि वही एटम POAC के लिए कंसीडर किया जाएगा जिसका अमाउंट रिएक्शन के स्टार्ट से रिएक्शन के एंड तक कंजर्व रहेगा, सेम बना रहेगा, उसी एटम के लिए POAC को अप्लाई करेंगे. तो अब जैसे देखो एक क्वेश्चन, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो, लिखो 1 gram ऑफ KClO3, 1 gram ऑफ KClO3 undergo decomposition. Calculate the volume of oxygen. Calculate the volume of oxygen produced at STP. Calculate the volume of oxygen produced at STP. ठीक है, तो ये रिएक्शन है. पहले हम यहां पे देख लेते हैं भाई रिएक्शन है क्या. बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड है. और ऑब्वियसली जो कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड है उनका केमिकल फॉर्मूला आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए. ये KClO3 है, ये डिकम्पोज होकर के KCl और O2 का फॉर्मेशन करता है. इसका 1 gram गिवन है और इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एट STP आपको निकालना है. तो अब आप इस प्रॉब्लम को POAC के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो. गिवन इंफॉर्मेशन है 1 gram ऑफ KClO3 और निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP. इसका मतलब कि आप यहां पे KClO3 के अमाउंट को ऑक्सीजन के अमाउंट से रिलेट करना चाहते हो. KClO3 के मास से ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यानी कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यहां पे हम कर रहे हैं. तो जिन दो कंपोनेंट्स को आप रिलेट करना चाहते हो, आप ये देखो कि उन दो कंपोनेंट में कौन सा एलिमेंट कॉमन. जिन दो कंपोनेंट को आप रिलेट करना चाहते हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि उनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है. बताओ कौन सा एलिमेंट कॉमन है. ऑक्सीजन कॉमन है. तो जो कॉमन एलिमेंट है उन दोनों के बीच में, उसी के लिए POAC अप्लाई करेंगे. यहां पे तो हमें पता चल रहा है कि ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक कंज्यूम रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग POAC फॉर ऑक्सीजन एटम. एक बार पहले आप पूरा मेथड को इत्मीनान से अच्छे से समझो. अप्लाइंग POAC फॉर ऑक्सीजन एटम ये लिखेंगे. ठीक है, तो अब देखो अब हम आगे क्या लिखेंगे. देयरफोर नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट.
तो अगर ऑक्सीजन का एटम जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना प्रोडक्ट साइड में भी होगा, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट। अगर इनके नंबर ऑफ एटम कंजर्व है तो ऑब्वियसली इनके मोल ऑफ एटम भी कंजर्व होने चाहिए दोनों साइड में। ये लिख सकते ना बेटा? यस सर। अगर ऑक्सीजन के एटम दोनों साइड में बराबर है तो ऑक्सीजन के मोल ऑफ एटम भी दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। तो अब आप यहां पे देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कहां है, किस फॉर्म में? रिएक्टेंट में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैस। अरे गधा, गैस है। KClO3 के फॉर्म में है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? KClO3 के फॉर्म में है। ऐसे बोलो। यस सर। तो अब हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन O2। लिख सकते हैं बेटा? यस सर। ठीक है, अब जरा देखो KClO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 एटम है। तो KClO3 के वन मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 3 into Avogadro। अरे 3 मोल एटम होंगे, ऐसे बोलो। यस सर। अगर फिर से समझो क्या मैं बोल रहा हूं, KClO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 एटम। यस सर। तो KClO3 के वन मोल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 3 मोल एटम। ठीक, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। तो ऑक्सीजन के वन मोल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 2 मोल एटम होंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसको ये लिख सकते हैं ना, मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into mole of KClO3 बोल सकते हैं। भाई KClO3 के KClO3 का जितना मोल होगा उसका ट्रिपल मोल मोल ऑफ एटम होगा ना ऑक्सीजन का। यस सर। यस सर। देखो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, यही सबसे सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। मैं ये बोल रहा हूं कि KClO3 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है। KClO3 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो KClO3 के वन मोल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 मोल एटम होने चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के जो मोल ऑफ एटम KClO3 में है वो ऑक्सीजन के वो KClO3 के मोल का ट्रिपल है। कैसे? यस सर। KClO3 का एक मोल है तो ऑक्सीजन का 3 मोल एटम है ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब KClO3 का जितना मोल होगा उसका ट्रिपल मोल एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए। यस सर। जिसको न समझ में आया हो वो फिर से पूछ सकता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बार बता दो फिर से। हाँ, एक बार फिर से बता देता हूं। इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है। ठीक है। yes, तो sir. फिर इसके एक मोल में ऑक्सीजन के 3 मोल एटम होंगे। यस सर।
इसका मतलब इसका जितना मोल होगा उसका ट्रिपल मोल ऑफ एटम ऑक्सीजन का होगा इसके अंदर। यस सर। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मोल ऑफ KClO3 इनटू 3। आ गया सर। आ गया ना, ठीक है। यस सर। अब जरा इधर बताओ, इधर हम क्या लिखेंगे बोलो। 2 into mole. हाँ एकदम सही है, बात समझ में आ गई आपको। तो हमें क्या पता चल गया, 3 into mole of KClO3 is equal to 2 into mole of O2। तो यहां से हमने क्या किया बेटा, यहां से हमने दोनों के मोल्स को रिलेट कर लिया, दोनों के मोल्स के बीच में क्या मिल गई हमें, रिलेशनशिप मिल गई। लेकिन हमें इसके लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा क्या? नो सर। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए हमने दोनों के मोल्स को रिलेट कर लिया, ठीक है। तो आप देखो आगे क्या लिखेंगे, फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 3 into weight of KClO3 upon molecular weight of KClO3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। मोल की जगह पे लिखा है इज इक्वल टू टू इंटू वॉल्यूम ऑफ ओ टू अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, लिख सकते हैं बेटा। यस सर। तो प्रॉब्लम में अगर आप देखो वेट ऑफ KClO3 1 gram गिवन है। Yes, sir. और KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, तो 39 प्लस 35.5 74.5 प्लस 3 ऑक्सीजन तो 48, तो 74.5 प्लस 48 कितना आया बेटा, 122.5। ठीक है, इज इक्वल टू 2 into volume of O2 निकालना है अपॉन 22.4। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। यस सर। बता दो फिर कितना आ गया। .27 liter at STP प्रोड्यूस होगा। तो ये क्लियर हो गया कैसे अप्लाई करना है POAC को? यस सर। यस सर। अच्छा अगर यहीं पे पूछा गया होता आपसे मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड तो क्या करते फिर, 1 gram KClO3 से कितना अमाउंट KCl का प्रोड्यूस होगा, तो तब क्या करोगे? सर मोल्स ऑफ KCl को रिलेट कर देते हैं मतलब। तो फिर POAC किसके लिए अप्लाई करोगे? KCl के लिए। KCl। अरे गधे, ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है, किसी एक के लिए अप्लाई होगा, चाहे K के लिए या Cl के लिए। यस सर, ठीक है। तो आप POAC किसके लिए अप्लाई करोगे, या तो आप पोटेशियम के लिए अप्लाई करोगे या क्लोरीन के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन दोनों दोनों के अंदर प्रेजेंट है। आई बात समझ में? यस सर। या एक और तरीका हो सकता है, मालूम है कैसे? यस सर।
जैसे आपने आपको KClO3 का मास गिवन है, ठीक, और यहां ऑक्सीजन का अगर आपने मोल निकाल लिया तो फिर तो ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हो। यस सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से उसका मास। हाँ एकदम सही है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप मास अप्लाई कर लो। आई बात समझ में? यस सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पे बेस्ड, ठीक है, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सैटरडे को मैंने बोला है आपका टेस्ट होना है और टेस्ट का सिलेबस मैं बता चुका हूं आपको इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले तक, इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले तक का जो पार्ट है वो पूछा जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। हाँ क्या बोल रहे हो? ऑर्गेनिक, अरे ऑर्गेनिक का मैं बोल चुका हूँ, तू क्लास में ये संडे वाली क्लास में कहाँ था तू? संडे वाली क्लास में कहाँ था भाई? क्लास थी सर। ये जो क्लास की मैं बात कर रहा हूँ ये पुराने बैच के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वाला भी टेस्ट होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक वाला भी टेस्ट होगा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बाकी सबके लिए जो है ये मोल कंसेप्ट का टेस्ट होगा जिसका सिलेबस मैं बता चुका हूँ। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। सर आपने संडे वाली क्लास में एक बुक, गुड आफ्टरनून सर। हाँ क्या पूछ रहे हो? सर संडे वाली क्लास में आपने बुक बताई थी, कौन सी थी वो? हिमांशु पांडे बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सर फिजिकल के भी लेनी है कोई? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप जो है नरेंद्र अवस्थी, एन अवस्थी यूज कर सकते हो बेटा। okay, अच्छा इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एडिशन अलग आता है और नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए अलग आता है, ठीक है। दोनों बुक्स में मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट के लिए मेडिकल एडिशन अलग है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए नॉन मेडिकल एडिशन अलग है, ठीक है बेटा।